सचिव में नवलभ प्रजा आते हैं, नवलभ प्रजा आते हैं, वो सूर्य के पकाओ सूर्य से कितना पच्चीस हजार धारण करते हैं, उतने वो 12,000 धारण करता है। 16,000 अगर पक्का पक्का धारण करें तो 16,000 में 10,000 की बनेंगे कि नहीं? जो 16,000 में है वो 16,000 की लिस्ट वाले 10,000 की बनते ही नहीं, कोई कोई बनते हैं तो पक्का पक्का चीज धारण करके बनते हैं। इसका मतलब पक्की चीजों पर चलने वाले 16,000 के अंदर सारे ही नहीं है। और नंबर वाले कोरोनेशन होता है, ट्रांसफर होता है राज्य, विश्व की बादशाही का राज्य है, सचिव की बादशाही में ट्रांसफर होता है, उस समय ये संख्या बताई गई 9,16,108। उसमें 9,00,000 के अंत तक की जो बात मुरली में बताई है वो पद की बताई, पद की हाँ, कि ये इतने पद 16,108 त्रेता के अंत तक पूर्ति होती है। क्योंकि सचिव में तो 16 ही प्रिंस प्रिंसेज होंगे, इससे ज्यादा होंगे प्रिंस प्रिंस, वहां तो महाराजा होते हैं, राजा है तो होते ही नहीं, तो वहां तो 8 जन्मों में कितने हुए, 8 प्रिंस 8 प्रिंसेज, बाकी जितने भी बचे वो सब त्रेता में बनेंगे, क्योंकि वहां राजाएं बहुत होते हैं, राजाएं बहुत होते हैं और फिर संख्या भी बहुत बढ़ पड़ी होती है, इसलिए वो संख्या बताई ऊपर से उतरने की नहीं, राजपद पाने की। उनमें से बहुत से ऐसे भी होंगे जो सतयुग के आदि में दास दासी बने होंगे, या सतयुग के मध्य सतयुग के अंत में दास दासी बने होंगे, या त्रेता के आदि में दास दासी बने होंगे, या त्रेता के मध्य में दास दासी बने होंगे, अंतिम जन्म में जाकर के उनको कोट पतलू मिल जाते हैं। तो पद पाने की बात बताई कि प्रिंस प्रिंसेस का पद पाने वाले त्रेता के अंत तक इतने होंगे, ऐसे नहीं जो सत्यु आज में आवेंगे नहीं, आवेंगे। राधा कृष्ण वाली आत्मा है तो यही शरीर छोड़ देती है, तो उनके जो बच्चे बनेंगे वो यहाँ शरीर नहीं छोड़ेंगे, वो भी यहाँ से भी छोड़ते हैं, उनका एक जन्म कम हो जाएगा, इसका मतलब कुछ को वापस भी जाना है क्या? यहाँ दास दासी बनेंगे संगम युग में, लेकिन फिर वापस भी जाएंगे। हाँ, 4,500,000 ऐसे हैं जिनको वापस जाना नहीं, वो जो 4,500,000 जन्म लेने वाले हैं उनको भी यहाँ कभी यहीं छोड़ना पड़ता है, जन्म लेना, हाँ, तब जाके सचिव जन्म लेते हैं। तो शरीर छोड़ने वाला में आधार मूर्त भी है, आधार मूर्त तो सारे ही है, आधार आधार मूर्त में ब्रह्मा नहीं है क्या? तो 16,000 लिस्ट में आते हैं ना, क्योंकि प्रवेश करके पोशाक तो यहाँ कर रहे ही नहीं, वो आत्मा यहाँ है नहीं मौजूद, कृष्ण की आत्मा का जो इतना गायन है इतना पूजन है, राम की आत्मा से भी ज्यादा गायन और पूजन है, क्या ज्यादा मानने वाले किसके हैं? कृष्ण के मानने वाले हैं, तो किस आधार पर है? यहाँ संगम युग में कुछ किया ही नहीं तो फिर उनका गायन पूजन इतना कैसे होगा?
प्रवेश करके कार्य करती है आत्मा। तो इसका मतलब 16,000 में जाने वाले हैं उसमें आधे शरीर छोड़ने वाले हैं, आधे शरीर छोड़ेंगे अंत समय में, उनको वापस जाना है। आखिरी जब विनाश होगा, आखिरी स्थापना होगी तो आखिरी विनाश भी होगा। पहले स्थापना होगी तो पहले विनाश होगा। पहले स्थापना हो तो 9,16,108 की पूरी स्थापना भी तो हो। वो स्थापना पूरी हुई और 5-7 रोज में खेल खराब हो जाएंगे, तो उनको वापस जाने दे। बाबा ये बताएं 16,000 और गोप या गुप्त संबंध रखने वाले किसके साथ? वही किसके साथ? किसके साथ? बाप के साथ। तो सेकंड नारायण वो भी प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं ना, तो किनके साथ संबंध? लेकिन नारायण थर्ड नारायण ये भी आज में थे नहीं क्या? सेकंड नारायण है, थर्ड नारायण है, वो सभी उन धर्मों के बीज रूप आत्माओं में ही प्रवेश करेंगे ना। तो इसका मतलब वो बीज रूप आत्माएं जो है वो भी अतिथि सुख अनुभव करेंगे ना यहाँ। उसमें आ रहे नहीं 16,108 जो है वो गोप गोपियों से पूछो, उस लिस्ट में नहीं है। जो अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो 1,000 की लिस्ट बताई है या 10,000 की लिस्ट बताई या 16,108 की लिस्ट बताई है? तो जितनी लिस्ट बताई है वो अनुभव करेंगे ना यहाँ प्रैक्टिकल में, बस दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे। लेकिन कुछ न कुछ विशेष सर्विस सेवा उन्होंने की है तो अनुभव करेंगे। सेवा की माना भगवान की महिमा की, महिमा की है तो उस लिस्ट में आवेंगे। बाबा अभी ये तो विरोध कर रहे हैं ना, तो क्या हुए? तो गुप्त संबंध कैसे रखेंगे वो? अरे कभी उनकी बुद्धि में बैठेगा नहीं, अंत में बैठेगा तो अंत में लास्ट तो फास्ट नहीं जाएंगे है? अरे 77 में जो निकले थे और जब उनकी बुद्धि में पक्का निश्चय बैठ जाएगा कि ये बात ऐसे है, तो वो उनकी बुद्धि में जो अनुभव है, जो सारे ड्यूरेशन का अनुभव भरा पड़ा है, वो उनको काम आवेगा या नहीं आवेगा? और जो बाद में आने वाले हैं, भले कितने भी सर्विस हो ले, सब सेवल हुए हो, तो जो बाद में आने वाले हैं उनकी उनको उनका सामने आने पर उनका रिगार्ड होगा या नहीं होगा? परिवार में एक बाप के कई बच्चे होते हैं, उन बच्चों के बच्चे होते हैं, तो जो बड़े बाप बड़ा जो बच्चा होता है उसके जो बच्चे होते हैं वो रिगार्ड पाने के हकदार होते हैं या नहीं होते हैं? बल कैसे भी हों तो भी छोटों को उनका रिगार्ड तो बनना पड़ता है। डिसरिगार्ड करेंगे तो पाप बन जाएगा। क्यों क्यों पाप बन जाएगा? हाँ, क्योंकि बड़ा भाई जो होता है बाप समान ज्यादा ताकत होती है, उसे पहले पैदा हुआ है ना, तो पहले आए हैं। तो 16,000 में आने वाले के खोए खोए का एक एक जन्म ही कट होता है ना बाबा, एक एक जन्म कट हो जाता है। तो इससे अच्छा 4,500,000 प्रजा में आ जाए। तो मुरली बोले कि दास दासी बनने से तो अच्छा साहूकार प्रजा में आ जाए, वो ज्यादा अच्छा हुआ ना। ज्यादा विशेषता क्योंकि 16,000 की या 4,500,000 प्रजा वर्ग में आने वाले, 4,500,000 जो प्रजा वर्ग होगी वो प्रजा वर्ग वालों में भी तो कैटेगरी होगी। कौन से किस बीज की प्रजा बनेगी? सूर्यवंशी, सूर्यवंशी प्रजा भी होगी, सूर्यवंशी के फॉलोअर भी होंगे, चंद्रवंशी, कोई चंद्रवंशी के फॉलोअर होंगे, कोई इस्लाम वंशी के फॉलोअर होंगे। जो बीज है आठ है जो बीज, उन आठ बीजों में भी तो कोई आखिरी जन्म में किस धर्म में गिरता है, कोई किस धर्म में गिरता है, कोई किस धर्म में गिरता है, तो उनके फॉलोअर तो भी वैसे ही होंगे, अंतर पड़ जाएगा।
एक तो आठ का और साढ़े चार लाख का और नौ लाख का हिसाब हिसाब है, और एक हजार का और सोलह लाख का हिसाब नहीं सकता। एक हजार का सोलह लाख, सोलह हजार का क्या हिसाब है? जो पहले एक हजार होंगे हाँ। वो तो बाप के पक्के सहयोगी होंगे या धोखेबाज होंगे? हिसाब हुआ ना नहीं, कैलकुलेशन क्यों होगा? कैलकुलेशन किस आधार पर होगा? हाँ, कैलकुलेशन का आधार यही होगा कि वो सदाकाल सहयोगी रहेंगे, कभी असहयोग आंदोलन कर दे सो नहीं होंगे। सोलह हजार को भी वही चाहिए, सोलह हजार को भी वही चाहिए, सोलह हजार को भी वैसे ही फिर नंबर चाहिए। सहयोग देने वालों में भी अभी सहयोग दिया और बाद में असहयोग कर दिया, तो किया किया न किया बराबर हो गया। ये कदर पक्का पक्का सहयोगी है। जब आठ धर्म है, आठ नौ धर्म है, तो उनकी प्राप्ति भी तो अलग अलग प्रकार की है, सब एक जैसे सच्चे थोड़े ही हो सकते। आज समाज तो कितना झूठा है, जहां देखी तबा बारा वही बेटा ही सारी का, वो तो आज इस पार्टी में कल इस पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते, दूसरी पार्टी छोड़ के तीसरी पार्टी में चले जाते। उनका कोई धर्म ही मान है, उन्हें तो राजा ही चाहिए, कैसे भी मिले राजा ही, कंट्रोलिंग पावर मिले। तो उनका कोई नियम कानून नहीं होता, नीचे नीचे धर्म वालों का, उनकी धारणाएं नंबर वार नीचे है, और जो ऊंचे ऊंचे है उसकी धारणाएं सबसे ऊंची है। तो ऊंचे ऊंचे बाप के बच्चे भी ऊंचे ऊंचे भाव स्वभाव संस्कार वाले होंगे। मुख से एक बार बात निकल गई तो उस बात को भी वापस करने वाले नहीं होंगे। हजारों आत्माएं हजार से श्रेष्ठ है, एक हजार आत्माएं वो श्रेष्ठ है। सोलह हजार से नहीं, पंद्रह हजार से श्रेष्ठ। भुजाओं में भी दो तरह की भुजाएं होती हैं, एक लेफ्ट साइड की एक राइट साइड की। वो भुजाओं में भी रुद्रमाला और विजय माला भी है। भुजाओं में भी होते हैं रुद्रमाला भी। एक डिस्कशन में बोला है आज के चमकते हीरे का भिन्न रंग का एक कंगन था, तो उसमें बोला है सदैव यूज करते रहना पड़ेगा, तो बोला है दूसरा चारा ही नहीं। तो इसका मतलब आश्चर्य के थ्रू ही सारा ब्राह्मण परिवार का कनेक्शन होना चाहिए। एक साथ में है ना, बल है तो नंबर बारी, लेकिन उनमें फिनिशिंग का थोड़ा सा अंतर है, औरों की तरह नहीं होंगे। कोई विपदा आती है कहते हैं ना, इसके ऊपर तो सार साथी चल गई है। तो कहते हैं नौरतन की अंगूठी पहनो तो नवरतन अंगूठी पहनने का मतलब क्या हुआ? संसार के संपर्क में आना, क्या उनके संसर्ग संपर्क में आएंगे तो हमारी भी दुर्गति से सुगति हो जाएगी। बाबा वैज्ञानिकों ने अभी तीन ग्रह का खोज निकाला है, तो बारह हो गए, इससे ज्यादा तो होने नहीं, बारह हो गए है। देखो अभी भी इतने सालों का भी निकाला है अभी बाबा का ज्ञान है, शुरू है सबसे। अर्थदेव होंगे वो बाद में निकलेंगे, पहले अर्थदेव निकलेंगे प्रत्यक्ष होंगे कि पहले नर्थदेव प्रत्यक्ष होंगे? अर्थदेव पहले, विनाश बाद में होता है कि पहले होता है? तो जब उनकी जरूरत होगी तब निकल पड़ेंगे, तभी उनकी जरूरत इसमें निकल आती है। अभी जरूरत है, स्थापना हो गई, अभी तो स्थापना बाकी बची हुई है, अभी कहाँ स्थापना प्रत्यक्ष हुई है। सूर्य से भी बड़ा है कह रहे हैं, बड़ा है कह रहे हैं एक एक ग्रह। उनको ग्रह नहीं कहा जाता, जो स्वयं प्रकाशित होते हैं उनको नक्षत्र कहा जाता है।
भागवत तो जो है भागवत गीता से कनेक्शन है, भागवत महाभारत से कनेक्शन है, वास्तव में भागवत रामायण से कनेक्शन है ऐसे बताया। गीता का कनेक्शन भागवत से, गीता या भागवत, और भागवत का कनेक्शन महाभारत से है। वास्तव माना गीता ज्ञान जब सुनते हैं तो बुद्धि में बात बैठ जाती है ना कि भगवान कौन है, तो भगवान के पीछे भागते हैं। और जब भगवान के पीछे भागते हैं तो जो उनके घर वाले हैं, उनको कंट्रोल करने वाले हैं, वो फिर उनके पीछे है कहाँ गई, कहाँ गया, तो उनके पीछे पड़ते हैं, चाहे वो हद में हो और चाहे बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में हो, वो फिर पीछे पड़ते हैं, झगड़ा बढ़ता है, तो झगड़ा बढ़ेगा तो फिर महाभारत युद्ध होगा। रामायण से कैसे करना चाहिए? रामायण में तो रामायण में सब आगाही बगाही सब दुनिया भर की बातें हैं, सबसे लास्ट का धर्म ग्रंथ है ना रामायण, बनाई है बैठ के, इसलिए बोलते हैं छोटी सी बात और इतना लंबा चौड़ा कथा कहानियां बनाने वाला ग्रंथ बना दिया। रामायण कथा सब लेकर के बैठे, रामायण तो मारे बचपन में छोटे छोटे बच्चे आपस में एक दूसरे को बताते हैं कि रामायण है क्या, अरे एक राम थे एक रावण, उनने उनकी कथा सिया चुराई, उनने उनको मारन ना, थोड़ी सी बात भई दो ना मैं तुलसी ने बनाई दो पोतन ना। बात का बतंगड़ हो गया। बाबा ये बोला है कि इंद्रदेव ने सोचा कि हम ज्ञान बरसा देंगे और सबको बढ़ा देंगे, लेकिन कृष्ण ने उंगली से उंगली का सहारा लेकर के गोवर्धन पहाड़ उठा दिया, तो इसका मतलब यहाँ इंद्रदेव जो ऐश्वर्य में आने वाले इंद्र है उनकी बात है। जो पर्वत उठाया जाता है वो तो कृष्ण की उंगली उठाया गया है क्या? अब कृष्ण जो है वो तो दुनिया वालों ने उस देवता को समझ लिया, लेकिन है किसकी बात है? जो भगवान का प्रैक्टिकल पार्ट है उसकी बात है, उस प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाले की जैसे हाथ सहयोगी होते हैं ऐसे उंगलियां भी तो सहयोगी है ना, सहयोगी हाथ के भुजा की भी सहयोगी कौन, उंगलियां, तो जो सहयोगी की भी सहयोगी है, और उन सहयोगी उंगलियों में भी जो सबसे छोटी है क्या उसको कहते हैं कनिष्ठ, कनिष्ठिका सबसे छोटी, उसके ऊपर पहाड़ उठा लिया क्या? अरे अंगूठा के ऊपर उठाया होता तो भी बात थी, सो भी नहीं, इंद्र का मान मर्दन करने के लिए ये दिखाया गया है कि जो छोटे से छोटा पुरुषार्थी है क्या रुद्रमाला का, जिसकी बुद्धि में परमात्मा बाप का परिचय बैठता ही नहीं, बल साथ में सबसे जाती रहता है क्या, बहुत मिलन मेला बनाता है फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं, तो ऐसी छोटी सी छोटी उंगली उस पर पहाड़ उठा लिया, काय का पहाड़, गौओं के बढ़ाने का पहाड़, कितनी गौएं बढ़नी है यज्ञ के आदि में थी 300-400 और बढ़कर के कितनी हो जानी है 16,000, तो गोवर्धन पहाड़ हो गया ना, ऐसा पहाड़ उठाने का काम उनको पालना करने का काम किसको सौंपा, छोटी सी उंगली को सौंप दिया, तो उठाओ ऊपर करो, संसार में नाम भाला इनका, राज करेगा खालसा, तो सिख लोग बहुत उत्साहित हो जाते हैं, ऐसे सिख धर्म कलयुग के लास्ट का धर्म है, लेकिन देवियों को वो भी मानते हैं,
देवियों की पूजा करते हैं। रामकृष्ण की उतनी मान्यता नहीं है, लेकिन देवी की बहुत मान्यता करते हैं। और जितने भी मंदिर हैं देवियों के, वो भी उसी इलाके में है सर। तो है ना, पहला नंबर नहीं है वो तो ईश्वर है। अब वो तो सब भक्तों ने तो सब खिचड़ी बना दी है ना। और वो युधिष्ठिर है, वो ही भीम है, वो ही अर्जुन है, क्या क्या करती है। देवताओं में सबसे भयभीत होने वाला देवता कौन सा दिखाया जाता है, जिसका घड़ी घड़ी सिंहासन हिलने लगता है, घड़ी घड़ी सिंहासन हिलता हुआ दिखाया गया है ना भक्ति मार्ग में। तो डर कहाँ से आता है, भय कहाँ से आता है, भय का आधार क्या है, भय का आधार क्या है, देह अभिमान। देह अभिमान से ही भय आता है। अगर देह नहीं है तो भय होगा, भय होगा ही नहीं। तो इंद्रदेव को घड़ी घड़ी देह अभिमान आता है, अरे ये तो बहुत तपस्या कर लिया, अब ये तो हमारा सिंहासन छीन लेगा, स्वर्ग का राज्य इसके हाथ में जाने वाला है। कौन है अब देखो कौन है। बाबा कुंडलिनी शक्ति क्या, सांप होता है ना, लंबा लंबा होता है, और जब वो मुड़ी मुड़ी इकट्ठा होकर के गोल 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 इकट्ठा होकर के यूं बैठ जाता है, तो उसको कहते कुंडली मार के बैठ गया क्या। तो शरीर के अंदर जो भी शक्ति फैली हुई है, हड्डी मांस मज्जा त्वचा, ये सारी शक्तियां हैं शरीर की, वो सारी शक्तियों का जो निचोड़ है, वो निचोड़ वो इकट्ठा हो जाता है क्या। आठ चक्र बताइए, अष्ट चक्र, हाँ, तो सबसे निचले चक्र में जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं वो शक्ति, चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, उनकी जो रजवीर की शक्ति इकट्ठी होती है वो ही कुंडलनी शक्ति है। जब हम लगातार मस्तक में आत्मा को या सुप्रीम सोल जो आत्मा से भी ऊपर वाला है उसको हम याद करते हैं, तो सारे शरीर की शक्ति याद बल के द्वारा वो ऊपर करती है। और कोई तरीका नहीं है क्या, उस सर्पिणी शक्ति को ऊपर उठाने का, इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर मनुष्य गुरुओं के पास वो तरीका होता तो अभी तक जाने कितने लोगों की कुंडलनी शक्ति जागृत कर दी होती, लेकिन कोई नहीं दिखाई पड़ता। न किसी की कुंडलनी शक्ति जागृत होती है और न कोई लंबी उम्र वाला देवता बन पाता है, न निरोगी दिखाई पड़ता है, सबको काल खा लेता है। अभी बाप आया हुआ है सच्चा प्रसाद सिखाने के लिए कि मुझे याद करो तो क्या होगा, तो काम देखा पर तुम जीत पाए लेंगे और तुम्हारी कुंडलनी शक्ति जागृत होकर ऊपर उठ जाएगी। तो किसको याद करो, उसको याद करो जो कामदेव को भस्म करने वाला है, उसको याद करेंगे तो तुम्हारा भी काम
तुम्हारा भी काम विकार भस्म हो जाएगा। भगवान गेट के डिस्कशन में बोला है धर्मराज का पाठ मूल रूप में अष्टादेव में जो इस्लाम धर्म से कनेक्टेड है उन्हीं के द्वारा होगी, लेकिन एक तरफ ये भी बोला है धर्मराज मेरा राइट हैंड है, तो इसका मतलब जो धर्मराज का पाठ बजाने वाली है वो बजाने वाली सोल तो ब्रह्मा की ही है, लेकिन बजाएंगे स्त्री शरीर के द्वारा या कन्या के शरीर के द्वारा होता है। राइट हैंड सक्रिया है या पुरुष है? जो धर्मराज का मूल पाठ बजाने वाले हैं वो इस्लाम धर्म से कनेक्टेड है उन्हीं के द्वारा होगी, लेकिन एक तरफ ये भी कहा है धर्मराज मेरा राइट हैंड है, तो इसका मतलब धर्मराज का पाठ बजाने वाली सोल तो ब्रह्मा की ही है। राइट हैंड शक्तियाँ होती है या पुरुष होते हैं? शक्ति तो शक्तियों में ही कोई शक्ति होनी चाहिए जो राइट हैंड हो। ज्यादा ताकत किसमें होती है, राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में? राइट हैंड में ज्यादा ताकत होती है। बदले के ये कैबिनेट ने बोला है महाकाले भी दूसरा काम कर सकता है, वो सकता है ऐसे ही बोला। कैसे करता है? ताकत भरी नहीं है, जो शक्ति है वो शक्ति तो अच्छे काम में भी लगाई जा सकती है और शक्ति बुरे काम में भी लगाई जा सकती है, तो जिसने शक्ति भर ली जो असुर है वो क्या भगवान को याद नहीं करते, वो तपस्या नहीं करते, वो भी तपस्या करते हैं भगवान को याद करते हैं, वो भी शक्ति भरते हैं और देवताएं भी शक्ति भरते हैं। जो देवताएं हैं वो अपनी भरी हुई शक्ति का सदुपयोग कर लेते हैं और राक्षस वो दुरुपयोग करते हैं, तो दुरुपयोग करने से घाटा किसका होगा? असुरों का घाटा हो जाता है। तो महाकाली का घाटा होता है या फायदा हो जाता है? घाटा होता है। क्यों? ये घाटा हो जाता है कि वो जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है नारी से लक्ष्मी बनना, वो नारी से लक्ष्मी बनने का पद धारण नहीं कर पाती, जगदम्बा का पद मिल जाता है। भगवान ये इस्लाम धर्म का आत्मा आता है सेकंड है, धर्म में सेकंड है सनातन इस्लाम है, वो धर्म पिता, वो भी सभी धर्म का धर्म पिता थे, ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा पावरफुल है और बहुत अर्ली आता है, हाँ जी नंबर टू में आता है, लेकिन अंत में धर्मराज का पार्ट वो भी इस्लाम धर्म का आत्मा वो कर रहा है, इस्लाम धर्म का दो रही है। आखिरी जन्म में जाके इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उनके प्रभाव में आ जाता है, इस्लाम धर्म का थोड़ा ही है वो, तो जो भी अष्टदेव है वो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हैं, सूर्यवंशी है या इस्लाम धर्म बहुत ही धर्म के हैं, पक्की सूर्यवंशी है, लेकिन आखिरी जन्म में तो सबको नीचे गिरना ही गिरना है, तो वो आत्माएं भी कोई न कोई धर्म में कोई न कोई देश काल में कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है माना प्रभाव में आ जाती है, प्रजा बन जाती है, बाकी उनको उस धर्म का नहीं कहेंगे, वो भी अपने को उस धर्म का तब तक मानेंगे जब तक उनमें जो देह भान का छिलका चढ़ा हुआ आखिरी जन्म का, क्या आखिरी जन्म के गुण धर्म स्वभाव संस्कार का जब तक छिलका है तब तक उनको ऐसा महसूस होगा कि हम इस धर्म के, और जब तक महसूस होगा तब तक वो माया उनको बताती रहेगी, जब ये पक्का निश्चय बुद्धि में बैठ जाए कि मैं तो
राशि जन्म की सूर्यवंशी आत्मा हूँ, सूर्य को सहयोग देने वाली हूँ, तभी ऊपर चल जाएगी। जैसे ब्रह्मा एक सेकंड में क्या होता है, एक सेकंड में ब्रह्मा को 84 जन्म की सीढ़ी चढ़ करके विष्णु बन जाता है, ऐसे ही और आत्माएं भी नंबर वार है। एक सेकंड में वो देवान का छिलका उतरा, कौन सा, मैं गीता का भगवान साकार में, श्रीकृष्ण भगवान नहीं हूँ, गीता पर भगवान मैं नहीं हूँ, ये देवान का छिलका उतरा, अब फटाक से ब्रह्मा तो बन जा रहे हैं। असली बुद्धि में बैठे जो नकली छिलका चढ़ा हुआ है वो उतर जाए। आसुरी धर्मों में सबसे ज्यादा पावरफुल धर्म कौन सा है, जिसने लंबे से लंबे समय तक राजा ही किए, इस्लाम में। लेकिन बाबा इधर वो रामवाली आत्मा कितना वो इस्लाम मुसलमान धर्म ने अच्छा काम किया, वो दूसरों ने कुछ भी नहीं किया है ना। अकबर अच्छा काम, उनका अच्छा काम किया, फिर बुरा काम भी तो किया, आखिरी बात का बन करके डुबो भी तो दिया। लाल किला, जामा मस्जिद और सब दिल्ली को उतना सुंदर बनाया है ना, सुंदर बनाया अपने लिए बनाया कि प्रजा के लिए बनाया, आधा में जाम आधा में रही है, तो अपने लिए बनाया। बड़े जैसा काम करते हैं और उनको पिछाड़ी वाले फालो करते हैं। बाबरी मस्जिद किसने बनाई, बाबर ने बनाई, आधारभूत में बाबरी मस्जिद कौन सी है, बाबरी माने पगलिया, कहते ना बाबरी हो गई, क्या हो गई, बाबरी हो गई, बावली हो गई मैंने पागल बन गई, जिस पार जाती है पागल बन जाती है। इस दुनिया को नरक से स्वर्ग बनाने वाली अभी प्रैक्टिकल में मैं हूँ, कोई अलग से शिवशंकर भोलानाथ नहीं है, मैं ही हूँ मूर्ति में सबसे श्रेष्ठ मूर्ति। देखो मेरा पोस्टर है, है? तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना, किसी यज्ञ में सबसे जास्ती खातिर किसकी होती है, क्यों होती है, बुद्धि में बात बैठी हुई है कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ ब्रह्मा बाबा के पास, तो मैं बारदार हो गए। इतना रिगार्ड बाबा ने और किसी को नहीं दिया बच्चों के बीच, जितना विश्व किशोर भाव को मिला, तो बुद्धि में वो अभिमान बैठ जाता है, ज्ञान का है? ज्ञान का नहीं अज्ञान का। ज्ञान तो तब कहे जब बाप की पहचान हो। आदि में भी ब्रह्मा को सपोर्ट किया होगा और अंत में भी ब्रह्मा को सपोर्ट किया, आज में भी बाप को नहीं पहचाना होगा, ठुकरा दिया होगा, तो अंत में भी अपनी जिद पड़ी हुई है। जिद करने वाली बात क्या, ये बोला कि जिसकी एकाग्र बुद्धि होगी वही नई दुनिया में पहुंचेंगे, तो इसका मतलब जिनका एकाग्र बुद्धि नहीं होगी वो नई दुनिया में नहीं पहुंच सकेंगे। एक के आगे माने एक के सन्मुख नहीं बनेंगे, विमुख ही रहेंगे अंत तक, तो नई दुनिया में पहुंचेंगे क्या। एक अग्र माने एक के आगे, मन बुद्धि दृष्टि वृत्ति वाचा कर्मेंद्रियां एक के अग्र नहीं होंगी
तो कोई दूसरे के आगे होंगे, एक के सन्मुख नहीं होंगे तो कोई ना कोई तो सन्मुख होंगे ना, जिसके सन्मुख होंगे वो उसी के राज्य में चले जाएंगे। हाँ। तो 16,000 में जो है उसमें आधा शरीर छोड़ने वाले हैं और आधा शरीर में रहने वाले हैं। तो आधा शरीर में जो रहने वाले हैं उसमें आधा 8,000 रकम देंगे, तो उसमें 4,000 रुद्र मानस होंगे और 4,000 विजय मानस होंगे। 8,000 जो है उन्होंने भी तो जब सिंध हैदराबाद में प्रत्यक्षता हुई और मानताऊ में आए तो उन्होंने खुशी की शूटिंग की या नहीं की? उनको भी तो अपना नशा चढ़ा था कि हमें भगवान मिल गया साकार में, लेकिन झूठा नशा था, इसलिए उसका असर ये हुआ कि इस जन्म में प्राप्ति नहीं होती, अगले जन्म में प्राप्ति होती। ब्रह्म की हजार भुजाएं ना, वो 16,000 होंगी, सहयोगी बनेंगे तो वो नहीं आ सकते हैं? अगर वो अगर उसमें ना हो, अलग से हो 1,000 भुजाएं, तो फिर 1,000 की माला भी गाई जानी चाहिए। 1,000 की माला गाई जाती है क्या? नहीं, कह देते हैं गुरु लोग श्री श्री 1,008 माने आज से लेकर अंत तक जो विशेष सहयोगी भुजाएं बनती हैं वो कितनी बनती हैं? 1,000 भुजाएं विशेष सहयोगी बनती हैं। बाकी जो 1,000 है वो उतनी सहयोगी नहीं बन पाती, बनती हैं। तो राइट भुजा और लेफ्ट भुजा दोनों चाहिए। लेफ्ट भुजा किसकी मानी जाती है? पुरुष की मानी जाती है राइट अंग, और स्त्री क्या माना जाता है? लेफ्ट अंग। यज्ञ के आदि में सूर्यवंशी चले गए, सूर्य के पीछे पीछे सब सूर्यवंशी चले गए, नंबर वन गए, लेकिन वो तो प्रैक्टिकल में चले गए, लेकिन अभी कैसे पता है पड़ता है कि सारे सूर्यवंशी चले गए? सारे सूर्यवंशी इस बाप के पीछे चले गए, बाकी दूसरे दूसरे धर्म के रह गए, वो अभी कैसे पता पड़ता है? अभी 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 फॉलो नहीं करेंगे, अभी 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 राज करेगा खालसा, तो जहाँ राज्य राजबाग देखेंगे वहाँ जाएंगे या बाप के पीछे जाएंगे? हैं? तो बाप के पीछे जाएंगे, दिखाई नहीं पड़ेंगे जो आदि में हुआ तब अंत में भी होने। वो आधारभूत ब्रह्मा कुमारियाँ जो है वो ज्यादा जबरदस्त है या बीज रूप ब्रह्मा कुमारियाँ ज्यादा जबरदस्त है? बीजरूप ब्रह्मा कुमारियों में भी एक है सूर्यवंशी ग्रुप और बाकी सब है ब्रह्मा को फॉलो करने वाले, दूसरे दूसरे धर्म के जो भी है वो किसकी गोदी में पलने वाले हैं? ब्रह्मा की गोदी में पलने वाले, इसलिए वो कमजोर हो जाते हैं, उतनी पावर नहीं भर पाते, तो कमजोर हो जाने के कारण वो कमजोर का हिसाब से देते हैं या सर्वशक्तिमान का साथ अंत तक नहीं दे पाते। तो रिजल्ट क्या आता है? यही आता है जो आदि में हुआ तो ग्रवंत में होता है। बाबा दृष्टि और वृत्ति से अपवित्रता होती है ना, शक्ति कैसे क्षीण हो जाता है? शक्ति कैसे क्षीण हो जाती है? शक्ति कैसे क्षीण हो जाती है? आप शरीर का अंग नहीं है, आँख तो सबसे ज्यादा धोखा धोखा देती है और हम उतना धोखा नहीं देते जितना आँख देती है, और आँख के दृष्टि के आधार पर वृत्ति भी बनती है। जिस चीज को आँख से देखेंगे वो बुद्धि में याद आएगी, याद आएगी उससे वाइब्रेशन बनते हैं, याद के वाइब्रेशन बनते हैं ना। अच्छी चीज की याद है तो अच्छे वाइब्रेशन, और बुरी चीज की याद है
दोगुने वाइब्रेशन, तो दृष्टि और वृत्ति दोनों ही दूषित होंगी, तो सूक्ष्म में ज्यादा पावर होती है या स्थूल कर्मेंद्रियों में ज्यादा पावर होती है? दृष्टि और वृत्ति तो बहुत सूक्ष्म है, दृष्टि से भी ज्यादा सूक्ष्म क्या है? वृत्ति। लक्ष्मी नारायण का चित्र है, उसमें नीचे दृष्टि से सुख लेने वाले राधा कृष्ण दिखाए गए हैं, वो ज्यादा ऊंचा सुख लेते हैं कि ऊपर जो लक्ष्मी नारायण खड़े हुए हैं सामने, एक दूसरे से थोड़े देख रहे, तो वो ज्यादा सुख ले रहे हैं। जो वृत्ति से सुख लेने वाले हैं वो उनका सुख कोई निराले ही किस्म का है। तो सूक्ष्म जितना ही सूक्ष्म होगा उतना ही ज्यादा ताकत वाला होगा और ज्यादा समय तक स्थायी रहने वाला होता है। इसलिए जो तुम्हारा प्रश्न है कि दृष्टि और वृत्ति ये जब क्षरित होती है, नीचे गिरती है, तो शक्ति क्यों क्षीण होती है? इसलिए क्षीण होती है कि दृष्टि और वृत्ति जो है वो कर्मेंद्रियों को भी प्रभावित कर देती है, अच्छी तरह अपने कंट्रोल में ले लेती है, प्रजा बना लेती है कर्मेंद्रियों को। कर्मेंद्रिया प्रजा बन जाएंगी तो किसके आदर चलेंगी? शक्ति जो है अंत में कर्मेंद्रिय से ही क्षीण होगा, है अंत में कर्मेंद्रिय से ही क्षीण हो जाएगा। क्या शक्ति जो है अंत में कर्मेंद्रिय से ही क्षीण हो जाएगा, और कम होगा वही दृष्टि और वृत्ति एक दूषित। दृष्टि वृत्ति अगर सुधार ली, पक्की कर ली, मजबूत कर ली, तो कर्मेंद्रिय अपने आप दृष्टि वृत्ति के कंट्रोल में आ जाएगी। संकल्प ही नहीं चलेंगे तो कर्मेंद्रिय अपना काम करेंगी क्या? पहले संकल्प चलता है अच्छा या बुरा काम करने का, उसके बाद बातें चलती है, फिर कर्मेंद्रियां चलती है। हो गया ना। अरे सचयुग में महाराजाएं होते हैं, राजा ही नहीं होते, और त्रेता में राजाएं होते हैं, महाराजाएं नहीं होते। द्वापर युग में महाराजाएं और राजाएं दोनों होते हैं, और कलयुग में महाराजा कोई नहीं होते, सिर्फ राजा ही राजाएं होते हैं। सम्राट महाराजा का है सम्राट बाबर, और सिर्फ भारत देश का है ना कि विदेशों का? क्या है दो भले? सम्राट का मतलब है सारी दुनिया के ऊपर राज्य करने वाला, ऐसे बोल सकते हैं ना, पवित्र राजा और अपवित्र राजा है। पवित्र राजा भारत के, हाँ जी, अपवित्र विदेश। हाँ जी, हाँ जी, चौहान भारत के अंतिम राजा थे ना बाबा, है हिंदू हिंदुओं में। हाँ, तो मतलब वो कौन सी आत्मा का ऐसा पार्ट था? कौन सी आत्मा का पार्ट था? बाबा ने तो बोला नहीं कि मैं एक एक आत्मा का पार्ट बताऊंगा। नहीं, ऐसा मतलब जैसे पृथ्वीराज चौहान को भारत के हिंदुओं का मतलब अंतिम राजा बताया गया। हाँ, तो भारत में जो भी आत्माओं ने राज किया है, हाँ, तो कलयुग के अंत में दोनों ही तरह की आत्माओं ने राज किया है। हाँ, पवित्र आत्माएं और अपवित्र आत्माएं दोनों ही आत्माओं ने राज किया है। नहीं, कलयुग के अंत में तो प्रजा के ऊपर प्रजा का शासन हो जाता है। राजाई चलती है, हाँ, जब तक की हाँ, जब तक भी राजाई चलती है तो भारतवासियों की तो राजाई खलास हो जाती है। कलयुग में तो विदेशी आकर के शासन करते हैं। रामे भी तो भारत में ही रहते हैं, और बीच भारत में है तो फिर भारतीय हो गए ना उसको? ऐसे दो ही भारतीय हो जाते हैं, कन्वर्टेड भारतीय है कि नॉन कन्वर्टेड है? अभी बहुत सारे हिंदुओं को कौन सा मुस्लिम राजा था उसने जो है मार मार के सबको मुसलमान बना दिया। अच्छा, तो जो अभी कन्वर्ट हो गए वो तो सारे हिंदू से ही मुसलमान बने हैं ना, कन्वर्टेड? हाँ, तो कन्वर्टेड हुए ना, उनकी जाति बदल गई ना, हिंदू कहेंगे मुसलमान कहेंगे? जो पक्का हिंदू होगा वो कभी कन्वर्ट नहीं होगा। तुम हो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के? हाँ जी, जो पक्का अपने धर्म का होगा वो और धर्म में कन्वर्ट होकर के जा न सके, मुरली में बोला है।
वाली आज में सब आ जाएगी हैं? किसमें? पक्की वाली। हाँ पक्के देवी देवता में तब तो वो सतयुग सतयुग के पहले जन्म में और संगम युग में वो 16 कला संपूर्ण राजा ही प्राप्त करते हैं। हैं रामायण जो भाई है प्रत्यक्षता होती है दो पैर में कितने ये लागू सकती है कौशल्या सिखों में कहते हैं दोपहर के 12 बजे उनकी अकल ठिकाने आती है तब तक उनकी बुद्धि में नहीं बैठता तो ज्ञान सूर्य की प्रत्यक्षता अमृत वेला होती है या दोपहर के 2 बजे हैं? दोपहर के 2 बजे विदेशी लोग तो 12 बजे मानते हैं। बाबा ने मुरली में बताया कि वास्तव में जब कृष्ण वाली आत्मा संपन्न बन जाती है तो बाप भी प्रत्यक्ष हो जाता है। बच्चे के बगैर बाप प्रत्यक्ष नहीं होता। और जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं उनमें सबसे लास्ट का धर्म है जहाँ राजा ही चली है कौन सा नहीं सबसे लास्ट का धर्म कौन सा है जिसमें राजा ही चली है और समझ में राजा ही होती है सिख धर्म तो लास्ट में ही समझेंगे या सवेरे ही समझेंगे जब खूब सूरज ऊपर चढ़ जाता है बहुत तपत हो जाती है तो बुद्धि खुल जाती है। सबसे जाती राजाई क्यों मिली राजाई इसलिए मिली कि उनका बुद्धि का ठिकाना एक जगह रखा हुआ है काबा में। दुनिया के किसी भी देश में मुसलमान रहने वाला होगा उनके जीवन का लक्ष्य ये होगा कि हम अपनी जिंदगी में एक बार काबा के दर्शन जरूर करेंगे। सारा जीवन उनका बुद्धियोग एक जगह रखा रहता है वहाँ जाने के बाद वो हाजी बन जाते हैं। हाजी हाजी बन जाते हैं हाजी नहीं अब तो टाइम तो बहुत हो गया।